सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनामिका। और किसान भाइयों, आपको आज कोशिश और मेहनत करने के साथ साथ आवश्यकता है आधुनिक तकनीक को समझने की। और जैसे कि अभी समय चल रहा है खरीफ की फसलों की तैयारी का, तो आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है कि खरीफ की फसलों में समसामयिक कार्य। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुबोध कुमार पांडे जी, जो कि डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर एलएन सिटी यूनिवर्सिटी रायसेन रोड भोपाल में। और साथ ही हमारे बीच एक सफल युवा किसान भाई अनुराग जी। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि अभी खरीफ की फसलों की तैयारी का समय चल रहा है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि खरीफ की फसलों में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने चाहिए। देखिए, खरीफ की फसलों को लेने के पहले हम गर्मी होती है मई के महीने में, मई में गहरी जुताई फार्मर करते हैं। उस जुताई का लाभ यह होता है कि खेत के अंदर जिस तरीके के खरपतवार और बहुत से जो कीड़े जो कि फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, वो एक गहरी जुताई हो जाने की वजह से वो निकल आते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। रही बात अब कौन कौन सी फसल इसमें ली जाएगी खरीफ के अंदर, तो अभी तक ये मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन खरीफ में सोयाबीन का होता था, सोया स्टेट के नाम से भी ये जाना जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसका कीमत कम मिलने और उसमें रोगों की संख्या बढ़ने पर, क्योंकि वातावरण के अंदर बहुत चेंज आ रहा है, तो उस टेम्परेचर घटने बढ़ने की वजह से उसके प्रोडक्शन पर भी असर पड़ा और बहुत से रोगों की वजह से उत्पादन में कमी आई। तो फार्मर्स ने फिर धीरे धीरे वह एरिया जो कि सोयाबीन में था वो धान द्वारा रिप्लेस कर लिया गया। अब धान की खेती करने के लिए सबसे पहले तो खेतों को अच्छे तरीके से जुताई करने के बाद हम इस जुताई से पहले ही नर्सरी लगा लेते हैं धान की। आपको तीन तरीके की धान की किस्में आती हैं, एक जल्दी पकने वाली, एक मध्यम और एक देर से पकने वाली। इन तीनों के अंदर अंतर ये होता है कि कम समय में एक हो जाती है, दूसरा थोड़ा समय लेती है और तीसरा और समय लेती है। तो इससे फ़ायदा होता है कि इसमें अलग अलग हमें उर्वरक देने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने नर्सरी तैयार कर लिया। नर्सरी तैयार करने के बाद उस नर्सरी में 2 से 3 हफ्ते की नर्सरी को हम ट्रांसप्लांटिंग के लेते हैं। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब ये होता है कि उस पौधे की रोपाई हम खेत में करते हैं। रोपाई करने से पहले हम खेत को ढंग से जुताई करके उसके अंदर पानी भर देते हैं और डोरी लगा करके लाइन में 15-15 सेंटीमीटर की लाइन के साथ साथ और एक पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए और पौधे की रोपाई कर देते हैं। इस पूरे काम को करने से पहले जिस समय हम नर्सरी डाल रहे थे उसी समय थीरम या कार्बेंडाजिम ये फंजीसाइड्स आते हैं, जिससे कि उन पौधों को ट्रीट कर लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि नर्सरी में ही जो पौधे ख़राब होने हो जाते हैं, इसके बाद जब खेत पर वो पौधे हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उन पौधों में किसी तरीके का रोग ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। और समय समय पर अगर खरपतवार का हम नियंत्रण करते रहते हैं तो रोगों से पौधों को मुक्त भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, आपने देखा और जाना कि किस तरह से खरीफ की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन से समसामयिक कार्य आपको किए जाने चाहिए। और किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे बीच एक सफल युवा किसान भाई भी हैं, तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। अनुराग जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम है अनुराग डोंगरे। मैं पांडुरना जिले के तहसील सौसर से, एक छोटे से गांव से, भुम्मा है जिसका नाम, वहां से आया हूं। जी, आपके पास कितनी एकड़ भूमि है? मेरे पास कुल 3 एकड़ भूमि है। और आप कौन सी फसल लगाते हैं? फसल में तो ज़्यादातर हम हल्दी का करते हैं, हल्दी की फसल लगाते हैं। फिर हल्दी के साथ में और सब्जी या कपास, धान, गेहूँ, ये सब भी करते हैं। जैसा कि अभी खरीफ की तैयारी का समय चल रहा है, तो आप हमारे किसान भाइयों को खरीफ की फसलों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? खरीफ की फसलों के लिए सलाह, मतलब किस बारे में?
किस तरह से उसकी तैयारी करना चाहिए, क्या समसामयिक कार्य करने चाहिए? आप अपने खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य करते हैं, आप हमारे किसान भाइयों से शेयर करें। समसामयिक कार्य में तो वही खेत की जुताई वगैरह, जी या फिर उसमें क्या क्या डालना है, मतलब जुताई से पहले ही अगर वो खाद वगैरह डाल देते हैं जी अपन, जी जैविक खाद, और जुताई कर देते हैं, तो वो खाद पूरा ज़मीन में मिक्स हो जाता है, और प्लाऊ वगैरह करके खेत की जुताई करके खेत तैयार कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी खरीफ की फसलों की तैयारी की बात चल रही है, तो धान की फसलों की तैयारी के बारे में बताएं कि क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, धान का जहाँ तक, ये एक ऐसी फसल है जिस फसल के अंदर हम यदि एकीकृत, जैसे इन्होंने कहा कि ये जैविक खाद को उसके अंदर मिक्स कर देंगे, जी तो लैंड प्रिपरेशन जिस समय खेत की हम तैयारी करते हैं उस समय, जैसे गेहूं कटता है, गेहूं कटने जी के बाद ही धान की फसल का इसका समय आता है, तो जब गेहूं कटता है तो गेहूं काटने के बाद उसकी जो पेड़ियां होती हैं उनको उसमें छोड़ दिया जाता है। और नई टेक्निक ये है कि उसके अंदर ज़ीरो टिलेज मशीन आ गई है। जी ज़ीरो टिलेज मशीन के साथ होता यह है कि आपको खेत की जुताई वगैरह कुछ नहीं करनी है, एज सच खेत पड़ा रहेगा और उसमें पानी दे करके, और हम उसके द्वारा ही उसमें बिजाई कर जी देते हैं। एक तो ये तरीका है, और सिर्फ एक धान एक ऐसी फसल, बाकी अन्य में भी एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे कि कीट ना आए तो हमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होगी, फफूंदी रोग नहीं आता है तो फफूंदी नाशक की आवश्यकता नहीं होगी, खरपतवार अगर नियंत्रित हो जाते हैं तो वीडीसाइड की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इस एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में, मैं जी मैनेज कंट्रोल और मैनेजमेंट दोनों में अंतर था। पहले क्या होता था कि जब डिजीज दिखाई दे रही है तब आप चलते थे किसी तरीके का उस पर कंट्रोल करते थे, कि आप देखते थे जो दिखा आपको तब आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का शुरुआत किया। प्रबंधन हम कह रहे हैं, तो नर्सरी जिस दिन से हमने लगाया उसी दिन से हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इसमें एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन आ रहा था। इसमें 1 ग्राम भी पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता नहीं है। धान की फसल की अगर हम बात करते हैं तो जिस दिन से आप रुपाई करते हैं उस दिन से लेकर के, और धान की जिस दिन तक आप कटाई करते हैं उस दिन तक में धान में कुल मिलाकर के 85 कीड़े आते हैं अलग अलग स्टेजेस में। इन 85 कीट में से केवल 5 कीट ऐसे हैं जो कि नुकसान पहुंचाने आते हैं, 80 कीट उन 5 कीटों का जो नुकसान पहुंचाते हैं उनका भोज्य पदार्थ बन के आते हैं, लेकिन हमारे इंडिस्क्रिमिनेट फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से ये मर जाते हैं और वो फिर क्रॉप को डैमेज करते हैं। तो यदि हम एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का अपने खेतों में लगाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो भी हमें उत्पाद इससे प्राप्त होगा वह किसी भी तरीके के रसायन से मुक्त होगा और आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा प्राइस आपको मिलेगा। अब यहाँ आ जाता है कि आप किस तरीके, कौन कौन सी प्रजाति चयन करते हैं। कुछ है वो जल्दी पकने वाली प्रजाति हैं, आप उनको लगा सकते हैं, कुछ मध्यम समय की है प्रजातियाँ उनको आप लगा सकते हैं, कुछ देर से पकने वाली प्रजातियों को लगाते हैं, कुछ लोग एक ज़्यादा उत्पादन के तौर पर अगर लेते हैं तो वो हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसानों को यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि तो पीछे से चला आ रहा है कि जो बीज होता है, जो उत्पाद हुआ उसी को वो बीज के रूप में रख लेते हैं और फिर उसकी बुआई करते हैं अगली फसल में। हाइब्रिड बीज अगर आप लगाते हैं तो उसके बीज को आप रखना नहीं है। बहुत से किसान ये गलती करते हैं, हाइब्रिड बीज को रख लेते हैं और दूसरी बार जब उसको आप सोइंग करते हैं तो कुछ नहीं जमा, तो वो फसल खराब हो जाती खराब हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस बात का ख्याल रख कर अगर करते हैं तो अच्छा उत्पादन डॉक्टर प्राप्त साहब, होगा। IPM क्या होता है, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। इसके अंदर हम किसी भी तरीके के जैविक कीटनाशक या जैविक फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करते हैं, और वो जैविक इस तरह से हैं, जैसे मान लीजिए कीट आता है उसको बोलते हैं वो उसके ट्रैप लगाए जाते हैं, फेरोमोन ट्रैप उसको बोलते हैं, तो वो उसको अगर हमने लगा दिया तो उसमें एक कैप्सूल लगा दी जाती है, उस कैप्सूल की महक दूर तक जाती है और इंसेक्ट आके उसी में सोचता है कि यहाँ पर मेल है फीमेल है और वो उसी के अंदर आकर के मर जाता है। हम लाइट ट्रैप लगा देते हैं, उस लाइट ट्रैप के अंदर इंसेक्ट आकर्षित होते हैं और उसमें आकर के मर जाते हैं। स्टिकी पेपर्स लगाते हैं जिसके अगर इंसेक्ट आके बैठता है उसी में वो चिपक जाता है। तो इनका इस्तेमाल करने से हम अपनी फसल को इन रासायनिक जो कीटनाशक हैं इनसे बचा सकते हैं, जिसकी कि अब बहुत आवश्यकता है। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अभी हमारे बीच है डॉक्टर सुबोध कुमार पांडे जी, जो कि डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर एलएन सिटी यूनिवर्सिटी रायसेन रोड भोपाल से, और साथ ही हमारे बीच एक युवा किसान भाई भी हैं। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। अनुराग जी, खेती में सबसे बड़ी समस्या आती है लागत की, तो किस तरह से लागत कम की जा सकती है और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? लागत का अगर देखा जाए तो लागत में सबसे ज़्यादा तो ये खाद वगैरह जो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा लागत आती है। तो अगर किसान भाई धीरे धीरे करके जैविक के तरफ अगर बढ़ते हैं तो तुरंत तो मतलब लगभग पूरे तरीके से जैविक होने में 3 साल लग जाते हैं, तो तुरंत उतना फ़ायदा नहीं होगा। पर लागत इसके लिए जैविक के तरफ अगर बढ़ते हैं तो जो पेस्टिसाइड है इन सब में जो लागत लगनी है वो खत्म हो जाएगी। कुछ घरेलू यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या जैसे गोबर की खाद इनका इस्तेमाल करके भी क्या लागत कम की जा सकती है? हाँ, लागत कम की जा सकती है। क्या आप अपने खेतों में इन सब विधियों का इस्तेमाल करते हैं? जैविक खाद है, वर्मी कम्पोस्ट है, ये सब डालते हैं। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में जैसा कि सोयाबीन की भी बड़ी खेती की जाती है, बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, तो सोयाबीन की फसल के बारे में आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जो सोयाबीन का अगर किसान भाई इसको लगा रहे हैं अपने यहाँ, तो उसमें दो तरीके के हमें बीज प्राप्त होते हैं, एक लाल रंग का होता है, एक काला उसको लाल कह लिए, और या एक पीले रंग के होते हैं। तो जो काले रंग के हमारे सोयाबीन की प्रजातियाँ जितनी भी हैं, वो सारी प्रजातियों के अंदर रेसिस्टेंस पावर दूसरे कीटनाशक कीटों से और फफूंदी से होती है, और वो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें परेशानी आती है कि वो चिटक जाता है। इस तरीके बीज अगर हम लेते हैं तो उसमें चिटकने वाली समस्या से बचते हैं। तो इसका जो है, इन बीजों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि धान में विशेष तौर से अगर हम कीट प्रबंधन एवं रोगों के बारे में आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैंने कहा ना, वो अगर IPM अपनाते हैं, एकीकृत नाशक जीव प्रबंधन अपनाते हैं, तो इसको अपना करके वो सारे कीटनाशक फफूंदी नाशक से बच सकते हैं और हमारी फसल पर किसी भी तरीके के रासायनिक अटैक जो है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगा और उत्पाद हमारा बायोलॉजिकली गुड होगा। अनुराग जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि क्या आप समग्र खेती करते हैं, जैसे उद्यानिकी, पशुपालन, और क्या इससे अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है? आप कुछ अपने अनुभव साझा करिए हमारे किसान भाइयों के साथ। जी हाँ, समग्र खेती करते हैं, जैसे पशुपालन का करते हैं, कुछ उद्यानिकी, तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है दूध से, और जो पशुपालन अगर करते हैं तो पशुपालन से जो वो खाद वगैरह निकलती है तो वो भी खेती में उपयोगी हो जाती है, उसको भी डाल के। आने वाले समय में सर, सोयाबीन में खरपतवार की जो समस्या आएगी, तो आप किसान भाइयों को इस बारे में क्या समझाइश देना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बीज जिस समय बीज का वो बुआई का काम करते हैं उस समय ही उसमें प्री इमर्जेंस करके बहुत से खरपतवार नाशक आते हैं, उनको अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले जितने हमारे खरपतवार हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। तो वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे बचत हो जाती है काफ़ी हमारी।
डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में मक्का और ज्वार की भी बड़ी मात्रा में खेती की जाती है, तो किसान भाई इन फसलों में किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या इनमें समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए? देखिए, मक्का को अगर आप लेते हैं तो मक्का के अंदर 3 तरीके की प्रजातियां होती हैं। एक हाइब्रिड होता है, एक नॉर्मल सीड हुआ, लोकल सीड होता है, और दूसरा एक कंपोजिट वेराइटी होती है। यह डिपेंड करता है कि आप उस मक्के का इस्तेमाल किस काम के लिए कर रहे हैं। पॉपकॉर्न इन सब के लिए कर रहे हैं तो हम दूसरे तरीके की करेंगे, और यदि अगर हम इसमें चल रहे हैं भुट्टा के रूप में अगर उसको वो सेल करते हैं तो उस मक्के के क्रॉप के लिए उन्हें कंपोजिट वेराइटीज़ जितनी आती हैं उनका चयन अगर आप फार्मर्स करते हैं तो उसमें उनका भुट्टे का साइज़ और जल्दी ही वो ग्रेन का जो एक मिठास उसमें होती है वो अच्छी मिलती है, तो उन्हें अच्छा उसमें प्राइस मिल सकता है। मक्के के अंदर एज सच अगर आप देखेंगे, अगर लाइन से बिजाई करते हैं, वो उनकी दूरी सामान्य रखते हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छा उत्पादन उनको प्राप्त हो सकता है। और जो हरा उसके साथ पार्ट होता है उसको यदि उनके पास जानवर हैं, गाय हैं, तो उनको वो चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनुराग जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आजकल जो युवा किसान हैं वो छोटी छोटी नौकरी के लिए शहर की ओर चले जाते हैं, तो अगर गांव में ही उनके पास पर्याप्त भूमि है तो क्या वो गांव में ही रहकर अच्छे से खेती बाड़ी कर सकते हैं? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं अच्छे से खेती, कम जमीन भी है तो भी कर सकते हैं। उसमें जैसे जैविक खेती की तरफ अगर बढ़ते हैं या उसमें लागत भी कम जाती है, और जो लागत कम जाती जाती है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छे दाम मिल जाते हैं उसके, तो कम इसमें मतलब कर सकता है और बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर भी जॉब जो करेंगे तो उससे अच्छा है कि अपनी खेती में कर लें। तो बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि किसान भाइयों, अगर आपके पास भी पर्याप्त भूमि है तो आपको छोटी छोटी जॉब के लिए अपनी जगह को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जागरूक बनने की और खेती बाड़ी में क्या समसामयिक कार्य किए जाने हैं बस इस बात को आप समझ लें तो आप पर्याप्त भूमि में भी बहुत कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब अभी हमारे बीच है, डॉक्टर साहब हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से समसामयिक कार्य करने चाहिए कि कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सके। देखिए, किसी एक क्रॉप को लेकर के अगर आज की डेट में अगर करते हैं, या तो आपके पास अच्छी लैंड आपके पास ज़्यादा मात्रा में हो, या थोड़े मात्रा में अगर आपके पास ज़मीन है तो बहुत से ऐसे हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके, और नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड या नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन, ये लोग ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं जिस प्रोग्राम के अंदर बहुत से ऐसे फल हैं और सब्जियां हैं जिनका उत्पादन उस नई तकनीक, जैसे आपके हाइड्रोपोनिक्स आ गया है, एरोपोनिक्स है, तो इस तरीके से अगर हम करते हैं या इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री का कर रहे हैं साथ में डेयरी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा उन दोनों को भी अगर आप समाई करते हैं, फिश कल्चर करते हैं, तो थोड़े थोड़े में भी अगर वो कर रहे हैं तो इन सब को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन हो करके होता क्या है कि सबसे आपको थोड़ी थोड़ी आय मिलती है। और इनके जो जैसे पोल्ट्री कर रहे हैं आप तो उससे अंडा और मीट आपको मिला, डेयरी कर रहे हैं तो उससे आपको मिल्क मिला, तो पोल्ट्री से आपको फीड भी मिले, उसके जो बीट्स उसके मिले वो फर्टिलाइज़र के काम में आ गए, गोबर मिल रहा है, मूत्र मिल रहा है, उससे आपके खेत के अंदर बहुत सारे तत्व भी मिल जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे का इंटीग्रेशन करके थोड़ी सी जगह में भी आप उनको प्लान करके करते हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे कि आप हल्दी की खेती करते हैं, हल्दी की खेती में अगर हल्दी के बीजों का आप चयन जिस समय कर रहे हैं उसमें करक्यूमिन परसेंटेज के हिसाब से ही हल्दी की लागत आपको मिलती है। तो अगर आप ऐसे बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें करक्यूमिन परसेंटेज अच्छा है, 6 or 7 के करीब है, तो आपको उसकी प्राइस अच्छा मिलेगा। दूसरा, आपके माटी हॉर्टिकल्चर प्लांट्स आपने लगा रखे, आम लगा रखा है और अमरूद लगा रखा है, नींबू लगा रखा है, तो इनके बीच में इंटरक्रॉप करके भी अगर आप हल्दी करते हैं तो भी आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर थोड़ी आपके पास ज़मीन है तो उस थोड़ी ज़मीन से इस तरीके का करके इंटीग्रेशन करके आप कई क्रॉप्स ले सकते हैं जिससे कि आपको आमदनी हो जाएगी, तो जो आप बाहर प्लान है हमारा वो रुकेगा। और गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रोकने के लिए अच्छे अच्छे इसके स्टार्टअप्स हैं आजकल, जो मॉडल्स ये मोमेंटो मिलते हैं, ये मोमेंटो गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ ये सब गोबर से बन रही हैं, तो गोबर से लेकर के आप अगरबत्ती बन रही है,
आप देख रहे होंगे कि शमशान घाट के ऊपर उसके गोबर की स्टिक्स बन रही हैं। तो बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके और थोड़े से में ही हम अच्छे पैसा कमा सकते हैं और भागने की, अपना गांव छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जो किसान भाई उद्यानी के क्षेत्र में है, तो उनके पुराने बगीचों के संबंध में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और नए बगीचों के बारे में भी आपको सुझाव? जैसे आपने देखा होगा, जब जाड़े का समय ख़त्म होता है और उसके बाद गर्मी की शुरुआत होती है, तो इसके बीच का पीरियड जो होता है, आप देखते हैं पौधों से पत्तियां सब गिर जाती हैं, फ्रेश पत्तियां आती हैं। यही इंडिकेशन है आपके जो पुराने पौधे हैं उनकी प्रूनिंग आप कर दीजिए। प्रूनिंग करके उनके थाला बना करके उसमें आप फर्टिलाइज़र को आप दे दीजिए, ठीक है। और जो जिनमें डाल में गड़बड़ी हो रही है, जैसे आम के क्रॉप्स हैं, उन सब चीज़ों को आप उनको कट करके नए करेंगे। और जो बहुत पुराने पौधे हो गए हैं उसमें ऊपर प्रूनिंग के बाद भी अगर आपको देख रहे हैं फल नहीं आ रहे हैं, तो आप फिर उनकी जगह पर नए पौधों से उनको रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी बाग जो है फिर से हरी भरी हो जाएगी। अनुराग जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि आज जो किसान भाई है उनको मेहनत के साथ साथ टेक्नोलॉजी को समझना कितना आवश्यक है? टेक्नोलॉजी को समझना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुरानी पद्धति से अगर करते आएंगे तो ठीक है, अभी आजकल की टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है तो उससे पैदावार भी ज़्यादा मिल रही है। किसानों को जो पहले तकलीफें होती थी वो भी कम तो हो रही है। आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने में, या जो नए ऐप हैं कृषि से संबंधित तो उसको समझने में या उसको जानने में? नहीं, शुरू शुरू में तो आती है दिक्कतें, फिर हो जाता है सब मैंने। तो आपकी प्रेरणा कौन है, कि आपको प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई कि नहीं मुझे अब आधुनिक तकनीक को अपनाना है, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए ऐप को समझना है? प्रेरणा तो यही है, एक दूसरे को देख देख के, क्योंकि गांव में भी अब वही हो गया है कि सब आधुनिक के ओर चले गए हैं। जैसा कि आपने हमें पहले बताया था कि आप हल्दी की खेती हाँ। करते हैं, तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं? हल्दी में तो सबसे पहले ध्यान मतलब बीज की, अपन बीज कौन सा लगा रहे हैं, उसके बाद खेत की जुताई और किसका दाम अच्छा मिलेगा, कि जैसे हल्दी अपन ने उगा ली। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी खरीफ की तैयारी, फसलों की तैयारी का समय चल रहा है, तो आप चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरा यही सिर्फ कहना है कि आप जिस उस फसल को आप लें जिसकी मार्केट में डिमांड हो, और इस डिमांड के लिए जो आपके पास मोबाइल फ़ोन है वही अपने आप में पर्याप्त है कि किसकी कीमत कितनी चल रही है आपको पता रहती है, और कौन सा बीज ऐसा है जिसके अंदर की वैरायटी हमारी ऐसी है जो अच्छा उत्पादन दे रही है, साथ में उसका अच्छा कीमत भी प्राप्त हो रही है। ये वर्ष हमारा 2023-24 जो है वो मिलेट्स का वर्ष था। आप जानते हैं एक ज़माने में पहले खेती होती थी तो उसके अंदर सावा, कोदो, इसको हम लोग लेबर जो कार्य करते थे उनको दिया करते थे। अब जब उसके कैलोरीफिक वैल्यू पता चले कि 500-600 कैलोरी की वैल्यू है, तो आज उनकी कीमत ये हो गई कि 250 ग्राम की कीमत माल मॉल्स में बिक रहा है, वो 200-250 रुपए के लेकर 250 ग्राम मिल रहा है। तो इसको देख करके आप चयन करें, जो हमारे यंग फार्मर्स हैं, कि इनको देख करके किन चीज़ों को हम करें। जैसे आप मान लीजिए धान ही कर रहे हैं, तो धान के अंदर अगर आप ऐसी प्रजातियों का चयन कर रहे हैं जो सुगंधित धान है उनका कर रहे हैं, या ब्राउन राइस है उसको कर रहे हैं, तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो आप कुछ अर्ली जैसे वेजिटेबल्स कर रहे हैं हमारे यंग किसान लोग, तो वो अर्ली वेराइटी ले लें। जब अर्ली वेराइटी का मतलब ये होगा कि मार्केट के अंदर सबसे पहले उनका गोभी आ गया या सबसे पहले उनकी मटर आ गई, तो कीमत जाहिर सी बात है ज़्यादा मिलेगी। अब जब सबकी आ गई एक साथ तो उसका दाम कम हो जाता है, तो फिर लेट वेराइटी का भी चयन कर लें। तो होगा क्या कि जब सबका ख़त्म हो जाएगा तब उनका मार्केट में आएगा तो अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमारे डिफरेंट ऐप्स आ गए हैं, इन सब के इस्तेमाल करते हुए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते, जाहिर सी बात है कि आय जो है उसकी बढ़नी ही बढ़नी है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, कि नई नई तकनीकों को समझना और जो लेटेस्ट ऐप्स आ गए किसान भाइयों
उनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी अनुराग जी भी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सके। अब मेरी सलाह तो यही रहेगी कि नए किसानों के लिए कि धीरे धीरे करके जैविक की तरफ बढ़ें, इससे ज़मीन को भी फ़ायदा है और फ़ायदा हम इंसानों को भी है, क्योंकि रासायनिक से हमको भी दिक्कत होती है, ज़मीन को तो होती ही होती है। और जो बीजों का चयन है वो अच्छे से करें, और बस जैविक का ही मेन है कि जैविक की तरफ बढ़े। तो अभी समय हो चला है हमारे जाने का, और अभी हमारे बीच डॉक्टर सुबोध कुमार पांडे जी हैं और साथ ही अनुराग जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे किसान भाइयों के साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर की। और दर्शकों, आज बस इतना ही। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।